रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो इस पे क्या करना है, सबसे पहले ये हमने खोल रखा है यहाँ पे, देखिए इस कार्ड में पहले तो ये पूरा एक मामला है इसके साथ, और फिर ये इस तरह की चीज़ें इसके साथ की गई हैं, और फिर इसको बाद में ऊपर नीचे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, पहले तो बैकग्राउंड हमारा वाइट ही है, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक पीछे एक शेप लेना है। तो यहाँ से लिया शेप, और ये हमने शेप को ड्रॉ कर दिया। अब शेप ड्रॉ करने के बाद जब शेप बन जाएगा तो यहाँ पे क्लिक होके क्लिक करेंगे, और यहाँ से लेके कंट्रोल डी दबाएंगे, ट्रांसफॉर्म एक्टिवेट करेंगे इसके ऊपर, और इसको ले जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो कार्ड का जो तकरीबन 50% हिस्सा इसने कवर करना है। अब मुझे आइडिया नहीं हो पा रहा है 50% कहाँ होगा, तो मैं व्यू में जाके रूलर को एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट किस्म के रूलर से ये आ गया रूलर। अब रूलर पे इंचेस में टाइम सेट कैसे करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, टाइप पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, पिक्सल पर लिमिटर्स आ रहा है, रूलर्स पे क्लिक करके यहाँ से हम ले लेंगे इंचेस, और इसको ओके कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इंचेस में नजर आने लग गया। तो ये 2.2 है, तो इसको कंट्रोल डी करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं, लेयर पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल डी, और यहाँ से शेप को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। तो ये हो गया पूरा तकरीबन 2.2 यहीं पर ही हो जाएगा। ये आ गया इसका 50% कार्ड का ले लिया। थोड़ा सा अगर बढ़ा लें, बढ़ता हुआ ले लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लिक करके यहाँ पे ओके कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करके इस पर जो कलर है वो आप यहाँ लेंगे। अगर आपको कलर सेम ही चाहिए तो आप उस कार्ड को यहाँ पे ओपन कर लें। तो मैं इस कार्ड को ओपन करने के लिए इस फोल्डर में चला जाता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ क्लिक करके यहाँ पर आके मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। अब ये कलर कोड मुझे चाहिए, एक तो ग्रे और एक ये, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ आई ड्रॉपर पर। तो आई ड्रॉपर पर क्लिक किया, आई ड्रॉपर, और यहाँ से लेके कलर कोड लिया, क्लिक किया, और यहाँ पे इसके अंदर फिल करना है। तो डबल क्लिक किया, कंट्रोल वी किया, ओके कर दिया। अब ये कलर कोड और उस कलर कोड में फ़र्क है। ठीक है, तो वापस से क्लिक करते हैं, हो सकता है यहाँ क्लिक हो गया, यहाँ क्लिक किया मैंने इसके कलर कोड पे, तो यहाँ क्लिक किया, कलर कोड कॉपी किया, और यहाँ पर आके मैंने हाँ यहाँ पे मैंने इसके साथ जो यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, और यहाँ पे प्रेस कर दिया, ओके कर दिया, अब सेम आ गया। तो ये कलर कोड हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है, एक रेड होना है और इस तरह का होना है, तो हम इसमें से ये पीस अलग कर लेंगे। अब ये पीस कैसे अलग करेंगे, तो इसके लिए ठीक ला इस पीस को अलग करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम पहले इसको रेस्टराइज कर लेते हैं। राइट बटन दबाया, शेप को कन्वर्ट करेंगे हम पिक्सल्स में, राइट बटन, रेस्टराइज कर दिया। तो अब उसके बाद हमने जो है ये आ गया। अब देखिए इसको इस तरह से बीच में से निकालना है। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं इस काम को करने के ना। अब ये दो तरीके क्या हो सकते हैं, जरा और से समझने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे एक तरीका तो हम ये कर सकते हैं कि इसको काटें, मतलब ऐसे काटें फिर ऐसे काटें, ठीक। और एक तरीका हो सकता है कि हम वाइट शेप लेके इसके ऊपर इस तरह से लगा दें, तो भी ये काम इस तरह से हो जाएगा। जैसे कि अगर हम एक वाइट शेप लेके इस पे जो इसका ये वाला हिस्सा है इस पर लगाएं ऐसे करके, ये यहाँ पे लगा दें इस तरीके से, फिर एक यहाँ पे लगा दें इस तरीके से, फिर उतना ही थिकनेस यहाँ पे लगा दें, तो ये मामला तो ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक हिस्सा यहाँ पे इस तरह से लगा दें, तो एक तो ये मामला हम कर सकते हैं। तो अगर इस मामले के थ्रू देखें कि अगर हम ऐसे करके काम कर देंगे इसको, वाइट शेप ऐसे और ऐसे और ऐसे लगा दें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले ऊपर वाला हिस्सा भी कुछ इसका अलग से करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं इसको, और इसको क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसी का कंट्रोल जे करते हैं, डुप्लीकेट लेते हैं, और अल्टर कंट्रोल टी दबा के अल्टर के साथ इसको बारीक कर लेते हैं। अभी कितना मैंने रखा है इसकी हाइट को ना, नोट कर लें 7.18 इंच है, तो कितनी रखनी, मैंने कहा 8 कर देते हैं, तो अब परफेक्ट निकला है 8 का साइज है इसका। अब इस पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से लेंगे पैंट बकेट टूल, और इसमें वाइट कलर लेना है, तो यहाँ से हमने क्लिक किया और ये वाइट कलर लेके क्लिक करके इसमें फ्लप कर दिया, तो ये इसके अंदर वाइट कलर आ गया। अब चूंकि ये भी रेस्टराइजर, वो भी रेस्टराइजर, तो यहाँ पे ये इस तरह से आपको नजर आएगा। अब इसको देखिए उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं इस तरह से ऊपर करके। अब ये चूंकि देखिए इस तरह से आ गया, और ये आगे वाला हिस्सा जो है इसका थोड़ा और ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। अब इसी का एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, इतना कर लेते हैं, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लिया। इसको हमने क्या करना है, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा इसको छोटा करना है, और इसको हमें ला के जो है ना, ये जो ये वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से ले जाके इस तरह से रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे आ रहा है, ऐसे सीधा आके फिर ये ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये सीधा आ गया,
और उसके बाद हम इसको यहाँ से इसको ऐसे नीचे ले आते हैं। तो यहाँ से ये ऐसे करके नीचे आना चाहिए, ठीक है, टेढ़ापन तो हाँ सही, बिल्कुल सही जा रहा है, टेढ़ा भी सही है ना यहाँ पे, लेकिन ये कार्ड का 50% कवर करेगा, तो ये 50% इस तरह से कवर हो गया इसका, सही है। और फिर नीचे वाला हिस्सा इसमें वाइट लेके चलना है ये, तो फिर इसी को यहाँ पे ऐसे रख के कंट्रोल जे दबा के डुप्लीकेट करते हैं, और बल्कि इसकी भी डुप्लीकेट नहीं करेंगे, नीचे वाले के डुप्लीकेट लेंगे कंट्रोल जे से, और फिर पकड़ के ला के उसको इस तरीके से हम इसके साथ यहाँ पे ऐसे करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखें ये तो आधा काम तो इस पर हो गया, सही हो गया, ठीक है। अब एक पट्टी जो इसकी यहाँ पे जा रही है उसको क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, ये जो इस तरह की पट्टी थी जो टेढ़ी वाली इस तरह की, इसको कंट्रोल जे करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, और यहाँ पे इसको करेंगे एडिट में जाके फ्लिप वर्टिकल, तो फ्लिप वर्टिकल करेंगे ऐसे हो जाएगा, और इसके बाद इसको ले जाके ऐसे लगा देते हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह से है, थोड़ा और ऐसे करके लगा दें, या थोड़ा और अगर आप इसको टेढ़ा करना चाहें तो कंट्रोल टी की मदद से थोड़ा और टेढ़ा कर दें इसको, और ये ऐसे करके लगा दें, जैसे ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा आ रहा है ना, तो ऐसे कर दें इसको, ये ठीक है, सेट है। और यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन का आधा काम तो हमारा हो गया। अब इसमें मसला ये है कि भाई ये आधा काम तो आपने कर लिया, लेकिन इसका ये जो मामला है ये थोड़ा और आगे तक गया हुआ है, यहाँ पर इस शेप को इस तरीके से यहाँ पे नहीं छोड़ा हुआ, बल्कि देखिए यहाँ पर आगे ये एरो हमारा थोड़ा सा बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, तो इसको थोड़ा नीचे क्रॉस लेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए बिल्कुल सेंटर ये एरो आ गया इसका सेंटर में, यहाँ से आके ये एरो इसका सेंटर में आ गया। अब उसके बाद ये आगे भी जाना चाहिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा हिस्से हम इसमें से कैसे निकालें, अब इसमें से एक्स्ट्रा हिस्से निकालने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए एक्स्ट्रा हिस्सा क्या निकालने, देखिए ये वाइट तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सही है, अब ये वाइट और ये वाइट तो एक ही बात है, तो दिख इसलिए रहा है कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, नहीं करूँगा तो दिखेगा भी नहीं, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये तो सही है, ठीक है, करने दें इसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ना इसमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ, जो एक्स्ट्रा एरिया है वो कैसे निकलेंगे इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा, ये काम इस तरह से हो गया, ये काम इस तरह हो गया, ये काम इस तरह हो गया, ये काम ऐसा हो गया, और ये भी बिल्कुल सेट जा रहा है। अब यहाँ पर देखें कि ये वाला जो साइड है, अभी ये वाली थोड़ी छोटी है, ये वाली बड़ी है, तो हमें ये वाला बार इतना बड़ा नहीं चाहिए, जब ये बार बड़ा नहीं चाहिए तो हमारा ये वाला बार कौन सा है, ये इस साइड वाला है, और ये साइड वाला है, और ये इस साइड वाला है। अब इस पर क्लिक किया, रेस्टराइज तो ये ऑलरेडी हुआ हुआ है, यहाँ से हम लेंगे एक टूल जिसका नाम है पॉलीगोनल लेसर टूल, पॉलीगोनल लेसर टूल लेके पॉलीगोनल लेसर टूल लेके हम इसको प्रॉपरली यहां से इस तरह से काट देंगे। देखो कैसे काटेंगे, यहाँ पे क्लिक किया और यहां से इसको इस तरह से ले लिया, ठीक है, और बाद में फिर हमने इसको यहां से ले जाके ये नीचे किया, कहां पर जा रहा है ये लिया, और दोबारा से लाके इसके अंदर लाके इसको यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। तो ये देखें ये हिस्सा तो बड़ी खूबसूरती से आपने इसमें से जुदा कर दिया, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब रही है कि भाई ये वाला जो पोर्शन है ये कैसे होगा। देखिए मैं इसके लिए एक बड़ी आसान सी चीज बताता हूँ कि इसमें हमें क्या करना चाहिए कि ये इसके साथ खुद ही कनेक्ट हो जाए, ठीक है। बेसिकली ये पूरा शेप है, ठीक, अब हमें इसमें से कुछ हिस्सा निकालना है और उस हिस्से को अलग करके थोड़ा ऊपर करके फिर एक वाइट पट्टी लगानी है। तो हमारे पास वाइट पट्टी तो मौजूद है, लेकिन लगाएं कैसे, तो इस शेप को पहले थोड़ा सा यहाँ से भी हम इसको डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे दो चॉइस हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ये सारे शेप को ऐसे करके अलग भी कर सकते हैं, और इस शेप को फिलहाल अभी हमें जैसे यहाँ से जरूरत नहीं है आगे ऊपर जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पे कट करके निकल जाएगा ना आगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस शेप को, जो ये वाला शेप है, इसको हम ऐसे करते हैं कि यहां से क्लिक किया, ठीक है, और यहां पे रखा, और यहां पे रखा, और यहां पे रखा, यहां पे रखा, सेलेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल जे, निकला है इसमें सेलेक्टिंग से,
उस अलग पीस में आप अलग कलर भर सकते हैं, यानी कि जैसे आपको ये कलर देना है तो ये वाला कलर कैसे लेंगे, आई ड्रॉपर लेंगे, क्लिक करेंगे इस कलर के ऊपर, सेलेक्ट हो गया, कलर कोड लेंगे यहाँ से, कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे, और यहाँ पे जाके आप डबल क्लिक तो नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से लेंगे पेन बकेट टूल, कंट्रोल के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट हो गया, भर देंगे इसको। तो ये देखें ये पीस इसमें से अलग से हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, सही है। अब देखिए 50% तो हमारा काम इजीली हो चुका है। अब रह गया ये वाला पोर्शन। अब ये वाला जो पोर्शन रह गया है इसमें भी हमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अभी। कि हेल्प कैसे मिलेगी, देखिए ये वाली जो पट्टी है वो हमें निकालनी तो है, वाइट वाली ये एक्स्ट्रा जो है, लेकिन वो कैसे निकालनी है अभी उसको हम देखते हैं। दूसरी बात ये है कि हमें इसको ऐसे आगे ले जाके एक ऐसे वापस ला के इसके साथ जोड़ना है। तो ये पीस कैसे निकलेगा, ये देखें ये पीस ऐसे निकलेगा कि हम यहाँ से क्लिक करेंगे, वो क्या कर दिया, कौन सा पॉलीगोनल लेसर टूल, क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे, कितनी बड़ी निकालनी, शिफ्ट के साथ इतनी निकाल लेते, इतनी कर लेते, क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से इसको यहाँ पे लाके जोड़ेंगे, बल्कि यहाँ पे जोड़ेंगे, लाके कहाँ जोड़ना है इसको, लाके हाँ इसके साथ ही जोड़ना है, तो यहाँ लाके हम इसको जोड़ेंगे, थोड़ा सा जूम करके लेते हैं। अच्छा अब काम आप कौन से शेप पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, तो क्लिक यहाँ पे रखना है आपने लेयर पे। अब शिफ्ट का बटन दबाएं तो देखिए पूरा सीधा पीस निकलेगा इसके अंदर से, क्लिक किया, शिफ्ट का बटन दबाएं, क्लिक किया, शिफ्ट का बटन नहीं दबाना, क्लिक किया, तो ये देखें ये पीस इसमें से कंट्रोल जे ये अलग हो गया। अब इस पीस में भी आप वही काम करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले यहाँ से इसका कलर लेंगे और फिर पेन बकेट टूल लेंगे और इस कलर पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, क्लिक करेंगे, ये निकल आया इसका पीस आपका तरीके से, सही है, ठीक हो गया काम। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इस वाले पीस के ऊपर काम करना है कि ये वाला जो पीस है इस तरह से थोड़ा सा ऊपर होके बन जाए। अब ऊपर कितना हो रहा है ये देखें, ऊपर इतना हो रहा है कि ये पूरा पीस जो है वो इसके लेवल पे आना चाहिए, सही है, तो इसके लेवल पर आएगा तो ये काम करेगा सही तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक चीज़ हम ये करते हैं कि ये वाली जो पट्टी है हमारी, ये पूरी पट्टी यहाँ पे जो रखी हुई है, इसका एक कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेते हैं और उसको लाके इसके ऊपर रख देते हैं। अच्छा अब ये, और दूसरा ये करते हैं कि ये वाला जो पट्टी है हमारी, ये पूरी पट्टी, इसका भी एक कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करते हैं और वो भी लाके इधर रख देते हैं। अब ये तीनों लेयर्स को मिला लेंगे हम, ठीक है, कैसे मिलाएंगे, तीनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ई लेयर मर्ज करने के लिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज लेयर का, ये लेयर मर्ज लेयर्स, ठीक है, जैसे ही दबाएंगे आप शॉर्ट के कंट्रोल ई तो ये सारी लेयर्स मिलके एक हो जाएंगी, कंट्रोल ई किया तो देखिए एक लेयर बन गई है, ठीक है। अब जब ये एक लेयर बन गई है तो अब आपने क्या करना है, अब देखें आपने ये करना है इसके साथ कि लेना ये वाला टूल अपना और इसको यहां से क्लिक करना और यहां पे क्लिक करना है, थोड़ा नीचे हो गया, डिलीट दबाएं, क्लिक करना और उसके बाद जो है शिफ्ट के साथ अगला क्लिक यहाँ पे करना है, शिफ्ट के साथ अगला क्लिक यहाँ पे करना है और शिफ्ट के साथ अगला क्लिक यहाँ पे करना है, ठीक है, ये हो गया सिलेक्ट। बड़े प्यार से आपने इसको करना है कंट्रोल जे, ठीक है, और अप एरो दबाना है मूव टूल लेके, क्या हो गया इसको, ओके ठीक है। अब आपने क्या करना है, करना तो यही है जो मैं बता रहा हूं, कंट्रोल जे करके उसको ऊपर करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क ये रखना है हमें कि थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं,
आगे कर दें इसको थोड़ा, इसके साथ मिलावा, ठीक है, इस तरह से। अब ये वाइट वाला जो है ऐसे वाइट से मिलेगा, तो ये देखिए वाइट वाला वाइट पर आ गया, और ब्लैक वाला उसके आगे जाएगा, रेड वाला इसके ग्रे के आगे आएगा, ग्रे के आगे। अब यहाँ पे रह गया सिर्फ इसका मसला कि ये वाला जो ग्रे हो जाए तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये जो हमारा ग्रे है पट्टी, ये थोड़ी इसके साथ पीछे जाके जुड़ जाए तो मसला हमारा हल है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एडिट में जाके और ऑन करेंगे हम अपना डिस्टॉर्ट, हो गया ऑन डिस्टॉर्ट। तो यहाँ डिस्टॉर्ट पे क्लिक किया इसके ऊपर और क्लिक किया इसके ऊपर, दोनों टूल्स में से दोनों को खींचना है, इसे लेके चलते हैं यहाँ से पकड़ता हूँ, ठीक है, सॉल्व हो गया ये। तो डिस्टॉर्ट से ये हल हो गया मसला। अब सिर्फ प्रॉब्लम ले गया है कि ये वाला जो वाइट हिस्सा है ये खत्म हो जाए, तो ये पूरा ग्रे हो जाए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व है। अब ये वाला जो हिस्सा है वो इसका पार्ट है ये नहीं, ये देखना है हमें, एक तो इसका पार्ट है, ठीक है। अगरचे इसका पार्ट है तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से लेते हैं ये पेन बकेट टूल से, पहले ये लेते हैं आई ड्रॉपर, क्लिक किया यहाँ पे पेन बकेट टूल पे क्लिक किया और यहाँ क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे क्लिक करने पे ये फिल तो हुआ लेकिन साथ साथ इसको आउटलाइन भी दे रहा है, क्योंकि ये हिस्सा भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा, ये हिस्सा हमें शामिल तो रखना है लेकिन इसके ऊपर वाला हिस्सा हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ से लिस्ट टूल ले लेते हैं और ये देखिए हम बड़े प्यार से इसको ये क्लिक किया, शिफ्ट के साथ आगे क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया, क्लिक किया और ये लाके इसको यहाँ पे फिर से क्लिक कर दिया और क्या कर दिया, डिलीट, ठीक है। तो इस लेयर में से तो ये हो गया अब डिलीट, हाँ इस पे से तो हो गया डिलीट, हो गया पेंट बिकेट और इस पे लगाते तो देखेंगे ग्रे हो गई पूरी। अब आते हैं दूसरा, ये ऑप्शन है किधर, दूसरी ये पट्टी आ रही है ये वाली, ऊपर भी है ना, ऊपर से काटनी पड़ेगी ना वो, ठीक है। अब ये वाली जो पट्टी है इसको ग्रे कैसे करेंगे, तो सिंपली इसको ग्रे करने के लिए इसको यहाँ से अलग कर दें तो ये ग्रे हो जाएगी। कैसे करना है हमें, ये लिया हमने और यहाँ से क्लिक किया, और यहां से हम ले गए, यहां पर और यहां से लिया यहां पर, ठीक है। अब इसको आप ग्रे कर दें आधा, सही। अब रह गई ये वाली पट्टी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली स्ट्रेट लिया, पर ले गए ये लाए और यहां पर लाके क्लिक कर दिया, ये लीजिए ये निकल आया आपका पूरा शेप, समझ में आई बात। इस तरह से ये आप पूरा शेप निकाल सकते हैं। बाद में ये जो टेक्स्ट वगैरह है वो इसमें आप लिख सकते हैं, जो भी नाम वगैरह है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा सबसे टॉप पे ले जाएं। अब ये पूरा डिजाइन जो है ना इसको एक ग्रुप में डाल दें, यहाँ से एक ग्रुप ऐड कराएं, ये आ गया ग्रुप के अंदर, ऐड कराएं यहाँ पे टेक्स्ट टूल लें, क्या लिखना है यहाँ पे,
कंट्रोल जे डुप्लीकेट, नंबर है बताना अपना 0300। ठीक है, अब इसी तरह से इसका कंट्रोल जे करके अपना नीचे ही में लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई एक लोगो इस तरह का बनाना हो तो ये लोगो भी आसान है बनाने, तो मुश्किल नहीं है इस तरह का। अब कितने कोने वाला है, 1 2 3 4 5 6 कोने वाला, क्लिक करेंगे ये बन गया 6 पॉइंट वाला। इसमें कलर भरना है, ये नहीं मेरा ख्याल ये 8 कोनों वाला है, क्या डिलीट कर दिया। अच्छा ऊपर बता, छह कोनों वाला है ठीक किया हुआ है इसको, ज्यादा होगी ना सेंटर खाली हो जाएंगे। चलो कॉल कलर करके देखते हैं पता चल जाएगा। नहीं देखो इसमें ठीक है, थोड़ा सुन कर ले। अब इसके निकालनी है हमें 12 चारों कोनों पे।
ठीक है। इसके डुप्लीकेट करने की जरूरत ही नहीं है, इस वाली लेयर का डुप्लीकेट कर लो। और इन दोनों का डुप्लीकेट कर लो। इन दोनों को सेलेक्ट किया कंट्रोल जे, वर्टिकल कर दो उनको। चेक उसका और इसका हो गया। ठीक है, अब बाकी रह गया ये कंट्रोल जे फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप हॉरिजॉन्टल ठीक है, तो ये निकला है इसका लोगो। अब इसको भी एक कंटेनर बना लो, वो सबको उसमें ठीक है। क्या चीज ये का है? अच्छा अच्छा वो अंदर हाँ, वो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल जे डुप्लीकेट कंट्रोल टी ऑल्टर शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे और उसको वाइट कलर दे देंगे। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों हो गए तो इन दोनों को उठा के इन लाइन से ऊपर ले जाएंगे और उसके अंदर एक और ट्राइंगल दे देंगे, तो उस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल जे कंट्रोल टी करेंगे तो वो छोटा कर देंगे, क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करके। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल ये हो रहा है कि ये जो क्लिक करें तो अंदर वाला जो है उसको अगर हम रेड कलर दे दें इस तरह से ही आप इसके अंदर आप इसको बनाने में कामयाब हो जाते हैं।